तो पठान मूवी थिएटर्स में काफी धूम मचा रही है और लोगों को इसकी स्टोरी जानने में काफी दिलचस्पी हो रही है, तो इसलिए ही हम आज इसका रिव्यू करेंगे, वो भी स्पॉयलर्स के साथ। तो आप इस वीडियो को सोच समझ कर ही देखना। तो पठान मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें पठान के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो हमें इस मूवी के फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है। तो पठान यानी शाहरुख खान जो की एक रॉ एजेंट है वो एक मिशन के दौरान घायल हो जाता है। फिर ठीक हो जाने के बाद पठान अपने बॉस यानी डिम्पल कपाड़िया से कहता है की हमें एक टीम बनानी चाहिए जिसमें रिटायर्ड सोल्जर्स होंगे जो की पठान की तरह ही किसी मिशन के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मदद से हम देश को और भी सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी टीम का नाम है जोकर। और फिर आगे जॉन अब्राहम यानी जिम की एंट्री होती है जो कि आउटफिट एक्स का लीडर है। और ये आउटफिट एक्स एक प्राइवेट एजेंसी है जिसमें अलग अलग देशों के स्पाई एजेंट्स हैं और ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो जिम पहले एक रॉ एजेंट ही था लेकिन वो एक मिशन के दौरान पकड़ा जाता है और जिन लोगों ने उसे पकड़ा था उनकी कुछ मांगे थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी नहीं करती और इसी का ही बदला वो आज तक ले रहा है। और फिर पठान का अगला मिशन जिम को ही पकड़ना होता है। तो इस मिशन के दौरान पठान स्पेन में डॉक्टर रूबीना से मिलने जाता है। यहाँ पर डॉक्टर रूबीना यानी दीपिका पादुकोण है। वैसे पठान सिर्फ रूबीना से मिलने जाता है लेकिन वहाँ पर रूबीना के साथ जिम और उसके टीम मेंबर्स भी होते हैं जो कि पठान को पकड़ लेते हैं। तो रूबीना भी आउटफिट एक्स की मेंबर होती है जो कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI का एजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर रूबीना पठान को बाकी टीम मेंबर से बचा लेती है ताकि वो एक मिशन कर सके पठान के साथ। और वो मिशन होता है रशिया से रक्तबीज यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस चुराना। और ये काम इतना सिंपल नहीं होता क्योंकि वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पठान और रूबीना उस रक्तबीज को चुरा लेते हैं। लेकिन एन वक्त पर रूबीना पठान को धोखा दे देती है और फिर सेकेंड हाफ में स्टोरी प्रेजेंट में आती है और अब पठान एक रशिया के जेल में है। और फिर वहाँ से पठान को ट्रेन से कहीं ले जाया जा रहा है। और फिर यही एंट्री होती है टाइगर की यानी सलमान खान की, जो कि पठान को यहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। तो टाइगर पठान से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, यानी हमें टाइगर 3 में पठान देखने को मिलेगा। वो तो बाद की बात है, अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी में आगे। तो जिम एक ISI ऑफिसर से पैसे लेकर इंडिया पर अटैक करने का प्लान बनाता है। तो जिम के ही कहने पर रूबीना ने रशिया से स्मॉल पॉक्स चुराया था। तो जिम उस स्मॉल पॉक्स को म्यूटेट कर देता है कुछ इंडियन साइंटिस्ट की मदद से और उससे वो एक बायोलॉजिकल वेपन बनाता है। और जिम उसी बायोलॉजिकल वेपन को एक इंडियन प्लेन में फिट कर देता है। और जब रूबीना को पता चलता है कि इस बायोलॉजिकल वेपन का पाकिस्तान पर भी असर होगा, तब वो पठान का साथ देती है इस बायोलॉजिकल वेपन को डिफ्यूज करने में। और फिर लास्ट में पठान और जिम के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है जिसमें पठान उस बायोलॉजिकल वेपन को डिफ्यूज कर देता है। और फिर इस मिशन में काफी सारे इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो जाते हैं जिसमें डिंपल कपाड़िया भी शामिल थी। और फिर मूवी के एंड में कर्नल उत्तरा पठान से कहते हैं कि तुम्हें एक टीम बनानी होगी जिसमें रिटायर्ड इंडियन सोल्जर्स होंगे और उसके लीडर तुम होगे, क्योंकि आगे और भी मुसीबतें आएगी जिनका तुम तीन मिलकर भी सामना नहीं कर सकते, और वो तीन यानी कबीर, पठान, टाइगर। इस मूवी की स्टोरी एक बढ़िया स्टोरी थी जो कि आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है जिसे आप थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी के वीएफएक्स थोड़े नकली से लगते हैं लेकिन इसे आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। और इस मूवी में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया गया है वो काफी जबरदस्त है। और इस मूवी के मिड में और लास्ट में ही सॉन्ग है जिससे मूवी की स्टोरी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता है मुझे कि ये वीडियो काफी लेट है, उसके लिए सॉरी। तो आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।